जिन जिन ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए यहाँ पे हमारा चैनल सर्च करेंगे और यहाँ पे हमारा देख सकते हो चैनल आ जाएगा, उस पर जाकर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे घंटी का बटन आएगा तो घंटी के बटन को ऑन नोटिफिकेशन में कर देना ताकि जो भी वीडियो डले कोई भी पोस्ट आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम बात करने वाले इस फ़ोन के बारे में, तो देख सकते हो हमारे पास जो फ़ोन है माइक्रोमैक्स का X419 मॉडल है, इसका है माइक्रोमैक्स X419। और यहाँ पे हमारे फ़ोन में लगा हुआ है पिन लॉक, तो यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन को चालू कर दिया है मैंने और यहाँ पे पिन का लॉक लगा हुआ है दोस्तों। तो जैसे आपके पास फ़ोन आता है पिन के लॉक के लिए, जैसे 1 2 3 4 ट्राई करता हूँ, देख सकते हो इनकरेक्ट पासवर्ड कह रहा है, 0 0 करके ट्राई करूँगा, ओके करता हूँ तो देख सकते हो इनकरेक्ट पासवर्ड कह रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको मैं 3 ट्रिक बताऊँगा, एक तो आप फ्लैश कर सकते हो, दूसरा पिन को रीड कर सकते हो और तीसरा चाहो तो इस फ़ोन को रीसेट भी कर सकते हो। तो दोस्तों चलेंगे अब अपने लैपटॉप की तरफ और करते हैं इसका हम पिन को रिमूव, हम और पूरे मेथड भी बताएंगे कैसे करेंगे। और दोस्तों लास्ट में आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए पहले लैपटॉप पे चल के टूल को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम फ़ोन की तरफ आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमने जो टूल ओपन कर लिए है मिरेकल का 2.82, और उससे पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे नेट पर हमारे पास माइक्रोमैक्स X419 की फर्मवेयर भी है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है फर्मवेयर में जाके, और फिर एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आएगा तो वो फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, उसके बाद ये फोल्डर क्रिएट होगा, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे फर्मवेयर लिख के आएगी, फर्मवेयर में जाओगे तो ये फाइल देख सकते हो इस तरीके की आएगी। तो चलिए कट करूँगा और इसको साइड में रखता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, SPD में जाना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है 6631। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कहाँ पे है 6631E। तो देख सकते हो ये है 6631E। और चलिए अब चलते हैं अपने मोबाइल की तरफ। तो दोस्तों पहला प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो तो देख देख सकते सकते हो हो अभी अभी भी भी इस इस पे पे पिन पिन लॉक लॉक लगा लगा हुआ हुआ है, है। तो तो आपको आपको क्या क्या करना करना होगा होगा दोस्तों, दोस्तों, ये ये FRP FRP रीसेट का रीसेट का ऑप्शन है, ऑप्शन देख है, देख सकते सकते हो। हो आपको आपको यहाँ यहाँ पे पे बूट बूट सिलेक्ट सिलेक्ट करके करके रखना है रखना है बूट बूट नंबर, नंबर, और और FRP FRP रीसेट रीसेट का का ऑप्शन ऑप्शन इस इस पे पे यहाँ यहाँ पे सिलेक्ट सिलेक्ट करके करके स्टार्ट स्टार्ट बटन बटन देते देते हैं, हैं, और और चलिए चलिए अब अब पावर पावर ऑफ ऑफ कर कर देता देता हूँ, हूँ, देख देख सकते सकते हो हो यहीं यहीं से। से। तो तो पावर पावर ऑफ ऑफ हो हो गया गया है है और और आपको आपको इस स्टार्ट स्टार्ट बटन बटन देना देना है है और और स्टार स्टार दबा दबा के के मैं मैं डाटा डाटा केबल केबल लगा लगा देता देता हूँ। हूँ। तो तो यहाँ यहाँ पे पे देख देख सकते सकते हो हो यहाँ यहाँ पे पे ये ये फॉर्मेट फॉर्मेट कंप्लीट, कंप्लीट, 1 सेकेंड भी नहीं नहीं लगा लगा हमको हमको यहाँ यहाँ पे। पे। तो तो चलिए चलिए इसको इसको डिसकनेक्ट डिसकनेक्ट करूँगा, करूँगा, अब अब पावर पावर की की से से चालू चालू करता करता हूँ हूँ फ़ोन फ़ोन को, को, नहीं नहीं होगा होगा तो तो बैटरी बैटरी निकाल निकाल के के चालू चालू करूँगा करूँगा फिर। फिर। तो तो चलिए चलिए नहीं नहीं हो हो रहा रहा दोस्तों, दोस्तों, एक एक बार बार बैटरी बैटरी को को हम हम निकाल निकाल लेते लेते हैं हैं और और लगाएंगे लगाएंगे फ़ोन फ़ोन को। को। तो तो देखते देखते हैं हैं दोस्तों, दोस्तों, पिन पिन लॉक लॉक मांगता मांगता है है कि कि डायरेक्ट डायरेक्ट चालू चालू होता होता है है फ़ोन फ़ोन हमारा। हमारा। तो तो यहाँ यहाँ पे पे दोस्तों दोस्तों देख देख सकते सकते हो हो सीधा सीधा बूट बूट कर कर गया गया हमारा हमारा फ़ोन, फ़ोन, कोई कोई पिन पिन लॉक लॉक नहीं नहीं मांगा मांगा है। है। तो तो देख देख सकते सकते हो हो FRP FRP रीसेट रीसेट से से आप आप इसका इसका पिन पिन को को हटा हटा सकते सकते हो। हो। और और चलिए चलिए फ़ोन फ़ोन चालू चालू हो हो गया गया है, है, तो तो मैं मैं एक एक काम काम करता करता हूँ, हूँ, इस इस पे पे लॉक लॉक लगा लगा देता देता हूँ। हूँ। तो तो चलिए चलिए सिक्योरिटी सिक्योरिटी में में जाऊंगा, जाऊंगा, पहले पहले फ़ोन फ़ोन लॉक लॉक ऑन ऑन कर कर लेता लेता हूँ हूँ, 0 0 0 0 0 0 करके, करके, क्योंकि क्योंकि ये ये डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट पिन पिन होते होते हैं हैं जो जो कंपनी कंपनी देती देती है, है, 1 2 3 4 1 2 3 4 वगैरह। वगैरह। अब अब मॉडिफ़ाई मॉडिफ़ाई कर कर देता देता हूँ, हूँ, तो तो चलिए चलिए पहले पहले 0 0 0 0 कर कर देता देता हूँ, हूँ, अब अब कर कर देता देता हूँ हूँ 8852 8852। तो दोस्तों ये ये पिन पिन लग लग चुका चुका है है और और यहाँ यहाँ पे पे बैटरी बैटरी निकाल निकाल के के ऑन ऑन करके करके दिखा दिखा देता देता हूँ। हूँ। तो तो यहाँ यहाँ पे पे 0 0 0 0 हट हट गया गया है है और और 8852 8852 चालू चालू हो हो चुका चुका है। है। तो तो 8852 8852 से से ओपन ओपन करूँगा, करूँगा, तो तो देख देख सकते सकते हो हो फ़ोन फ़ोन हमारा हमारा चालू चालू हो हो गया गया है। है।
तो चलिए अब चलिए बैटरी बैटरी को को निकाल निकाल के के दोबारा दोबारा लगाऊंगा। लगाऊंगा। अब अब दोस्तों दोस्तों आपको आपको क्या क्या करना करना है, है, चाहो चाहो तो तो आप आप इसका इसका पैटर्न, पैटर्न, सॉरी सॉरी दोस्तों दोस्तों आप आप चाहो चाहो तो तो इसका इसका पिन पिन को को रीड रीड भी भी कर कर सकते सकते हो, हो, तो तो मेथड मेथड सेम सेम रखना रखना है, है, बस बस आपको आपको रीड रीड इन्फो इन्फो में में चले चले जाना जाना है है और और रिबूट रिबूट नंबर नंबर यही यही रखना रखना है है और और आपको आपको स्टार्ट स्टार्ट दे दे देते देते हैं हैं आप, आप और और स्टार स्टार दबाते दबाते हैं हैं तो तो फोन फोन डिटेक्ट डिटेक्ट हो हो जाएगा। जाएगा। तो तो दोस्तों दोस्तों मैं मैं आपको आपको थोड़ा थोड़ा सा सा दिखाऊंगा दिखाऊंगा अब अब लैपटॉप लैपटॉप की की स्क्रीन स्क्रीन पे, पे। तो तो यहाँ यहाँ पे पे देख देख सकते सकते हो हो मॉडल मॉडल नंबर नंबर सब सब कुछ कुछ ले ले रहा रहा है है यहाँ यहाँ पे, पे, एनालाइजिंग एनालाइजिंग हो हो रहा रहा है, है, तो तो थोड़ा थोड़ा सा सा वेट वेट करेंगे। करेंगे। तो तो यहाँ यहाँ पे पे देख देख सकते सकते हो हो आईएमईआई आईएमईआई नंबर नंबर सब सब कुछ कुछ आ आ चुका चुका है, है, तो तो देख देख सकते सकते हो हो अनलॉक अनलॉक कोड कोड दे दे रहा रहा है है यहाँ यहाँ पे पे, स्क्रीन स्क्रीन लॉक लॉक का, का, ये ये कोड कोड लगा लगा के के देख देख लो, लो, या या ये ये कोड, कोड, और और जो जो अभी अभी हमने हमने रिसेंटली रिसेंटली चेंज चेंज किया किया है है वो वो देख देख सकते सकते हो हो DOUBLE 8 52 DOUBLE 8 52 लिखा लिखा हुआ हुआ है, है, एक एक कोड कोड ये ये भी भी होता होता है, है, दूसरा दूसरा ये ये होता होता है है जो जो कंपनी कंपनी डिफॉल्ट डिफॉल्ट में में देती देती और और तीसरा तीसरा होता होता है है DOUBLE 8 52 DOUBLE 8 52 जो जो मैंने मैंने किया किया था। था। तो तो दोस्तों दोस्तों देख देख सकते सकते हो हो दूसरा दूसरा ऑप्शन ऑप्शन आपको आपको मैंने मैंने बता बता दिया दिया है, है, इससे इससे भी भी आप आप अनलॉक अनलॉक कर कर सकते सकते हो हो ये ये डी डी रीड रीड कर कर सकते सकते हो हो इस इस टूल टूल की की मदद मदद से। से। टूल टूल फ्री फ्री टूल टूल है है दोस्तों, दोस्तों, बहुत बहुत काम काम का का टूल टूल है है ये। ये। तो तो चलिए चलिए इसको इसको डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर कर देता देता हूँ। हूँ। और और दोस्तों दोस्तों अब अब लगे लगे हाथ हाथ हम हम बात बात करेंगे, करेंगे, तो तो यहाँ यहाँ पे पे राइट राइट का का ऑप्शन ऑप्शन जो जो है, है, आप आप इस इस फोन फोन को को फ्लैश फ्लैश भी भी कर कर सकते सकते हो, हो, तो तो आपको आपको सिंपल सिंपल सा सा बस बस यहाँ यहाँ राइट राइट पर पर जाना जाना है है और और यहाँ यहाँ से से अब अब इसकी इसकी फाइल फाइल को को सिलेक्ट सिलेक्ट करना, करना, जो जो मैंने मैंने आपको आपको बताया बताया रहा, रहा, जो जो फाइल फाइल होगी होगी वही वही फाइल फाइल को को आपको आपको एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट हेयर हेयर कर कर लेना, लेना, फिर फिर हमने हमने जहाँ जहाँ अपनी अपनी फाइल फाइल को को एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट किया किया हो हो उसकी उसकी लोकेशन लोकेशन देना देना होगा। होगा। तो तो जैसे जैसे कि कि हमने हमने डेस्कटॉप डेस्कटॉप पर पर रखी रखी थी थी वो वो फाइल, फाइल डेस्कटॉप डेस्कटॉप पर पर जाने जाने के के बाद बाद ऐसे ऐसे स्क्रॉलर स्क्रॉलर डाउन डाउन कर कर लेना, लेना, फिर फिर माइक्रोमैक्स माइक्रोमैक्स X419 X419 का का फोटो फोटो आ रहा आ है, रहा इस है, इस पर पर डबल डबल क्लिक क्लिक करना करना है, है, फिर फिर फर्मवेयर फर्मवेयर के के अंदर अंदर जाना जाना है, है, फिर फिर ये ये इसको इसको सिलेक्ट सिलेक्ट करके करके ओपन ओपन कर कर देना, देना, और और फिर फिर दोस्तों दोस्तों बाकी बाकी मेथड मेथड सेम सेम है, है, स्टार्ट स्टार्ट देना देना है, है, फिर फिर आपको आपको स्टार स्टार दबा दबा के के कनेक्ट कनेक्ट कर कर देना देना है है फोन। फोन। तो तो यहाँ यहाँ सॉरी सॉरी दोस्तों दोस्तों यहाँ यहाँ पे पे फोन फोन स्टार्ट स्टार्ट दे दे देते देते हैं, हैं, फोन फोन चालू चालू रहा रहा हमारा, हमारा, और और कनेक्ट कनेक्ट कर कर देता देता हूँ हूँ स्टार स्टार दबा दबा के। के। तो तो दोस्तों दोस्तों देख देख सकते सकते हो हो यहाँ यहाँ पे पे जो जो हमारी हमारी फ्लैशिंग फ्लैशिंग होना होना भी भी स्टार्ट स्टार्ट हो हो चुकी चुकी है है फोन फोन की, की देख देख सकते सकते हो। हो। तो तो दोस्तों दोस्तों तीनों तीनों मेथड मेथड मैंने मैंने आपको आपको बता बता दिया दिया हूँ, हूँ, देख देख सकते सकते हो। हो। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो फोन का फ्लैशिंग डन हो चुका है, चलिए बैटरी को निकाल के ऑन करूंगा मैं, और और सिस्टम सिस्टम में में देख देख सकते हो सकते तो हो यहाँ यहाँ पे पे राइट राइट कंप्लीटेड कंप्लीटेड लिख लिख के के आ आ रहा रहा है, है, देख देख सकते सकते हो। हो। और और फोन फोन को को हमने हमने यहाँ यहाँ पे पे चालू चालू कर कर दिए दिए हैं, हैं, तो तो दोस्तों दोस्तों थोड़ा थोड़ा सा सा वेट वेट करेंगे करेंगे बस। बस। तो तो दोस्तों दोस्तों यहाँ यहाँ पे पे देख देख सकते सकते हो हो फोन फोन हमारा हमारा चालू चालू हो हो चुका चुका है। है। तो तो दोस्तों दोस्तों तीनों तीनों मेथड मेथड आपको आपको कैसे कैसे लगे लगे ये ये बताना बताना जरूर जरूर कमेंट कमेंट पे, पे, और और दोस्तों दोस्तों मैंने मैंने जो 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 मेरे मेरे से से बना बना मैंने मैंने वो वो सब सब कुछ कुछ किया, किया, और और दोस्तों दोस्तों इस इस फोन फोन में में खासकर खासकर प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये ये भी भी आया आया है है कि कि आपकी आपकी आउटगोइंग आउटगोइंग जाएगी, जाएगी, मतलब मतलब यहाँ यहाँ से से कॉल कॉल जाएगी जाएगी लेकिन लेकिन इनकमिंग इनकमिंग आएगी आएगी नहीं। नहीं। तो तो ये ये आप आप चाहो चाहो तो तो एक एक FRP FRP रीसेट रीसेट वाले वाले ऑप्शन ऑप्शन से से आप आप ये ये भी भी इसका इसका ठीक ठीक कर कर सकते सकते हो हो दोस्तों। दोस्तों। तो तो दोस्तों दोस्तों ये ये इनकमिंग इनकमिंग की की प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी भी दूर दूर हो हो जाएगी। जाएगी। तो तो दोस्तों दोस्तों वीडियो वीडियो अच्छा अच्छा लगा लगा तो तो लाइक लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर जरूर करना करना हमारे हमारे चैनल चैनल को, को, और और जुड़े जुड़े रहना, रहना, हम हम ऐसी ऐसी वीडियो वीडियो लाते लाते रहते रहते हैं। हैं। इस इस वीडियो वीडियो पे पे हमने हमने इसको इसको तीन तीन ट्रिक ट्रिक बता बता दी दी हैं हैं कि कि किस किस तरीके तरीके से से आप आप प्रॉब्लम प्रॉब्लम दूर दूर कर कर सकते सकते हो। हो। तो तो आई आई होप होप आपको आपको ये ये वीडियो वीडियो अच्छा अच्छा लगा लगा होगा। होगा। थैंक्स थैंक्स फॉर फॉर वॉचिंग वॉचिंग गाइस। गाइस।